महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आने के बाद सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। जहां भाजपा का बड़ा वोट बैंक उसके हाथ से खिसक गया, वहीं कांग्रेस 14 सीटों पर जीतकर प्रदेश में कई सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। ऐसे में महाराष्ट्र के भाजपा गठबंधन वाली महायुति में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। राजनीतिक गलियारों में दोनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए और इंडिया के भीतर खलबली की खबरें आती रही हैं। इस बीच एक फोटो सामने आई है, इसमें शिवसेना उद्धव गुट के एक सांसद के साथ शिवसेना शिंदे गुट के दो विधायक बैठे हैं। अब ये फोटो चर्चा की वजह बन गई है। दरअसल हिंगोली लोकसभा सीट से उद्धव ठाकरे के नव निर्वाचित सांसद नागेश पाटिल अष्टीकर ने एकनाथ शिंदे के दो विधायकों के साथ गुप्त बैठक की। इस मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, इसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नागेश पाटिल राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और हिंगोली के संरक्षक मंत्री अब्दुल सत्तार से मिलने पहुंचे। बैठक अब्दुल सत्तार के आवास पर हुई। इस बैठक में शिंदे की पार्टी शिवसेना के विधायक संतोष बांगर भी मौजूद थे। इस बैठक में वास्तव में क्या चर्चा हुई, इसको लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। फोटो पर चर्चा छिनने के बाद अब्दुल सत्तार ने कहा कि वो जिले के विकास कार्यों के बारे में बात करने मेरे पास आए थे, उनके साथ विधायक संतोष बांगर भी थे, मैंने दोनों से चर्चा की, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अब्दुल सत्तार ने जवाब दिया कि राजनीति में एकनाथ शिंदे साहब जो आदेश देते हैं मैं उनका पालन करता हूँ, राजनीति से कोई संबंध नहीं है। चाय पीते हुए बातें तो होती ही हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ राजनीति को लेकर नहीं होती। उधर संतोष बागर ने बताया कि अब्दुल सत्तार संरक्षक मंत्री हैं, मैं उनके पास काम के लिए गया था, नागेश अष्टीकर भी वहाँ काम के सिलसिले में आ गए थे, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। संयोग वंश जब मैं वहाँ था तो नागेश अष्टीकर भी आ गए, हमने एक दूसरे को जय महाराष्ट्र कहा। महाराष्ट्र में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में संसदीय चुनाव में एनडीए के खराब प्रदर्शन के कारण सहयोगी दलों द्वारा अंदरखाने भाजपा पर सवाल उठाए जाने की बात सामने आती रही है। ऐसे में चुनाव पूर्व राज्य में एक बार फिर गठबंधनों के भीतर खलबली से कोई इनकार नहीं कर रहा। अब ऐसे में देखना ये है कि आने वाले समय में क्या शिवसेना के दोनों गुटों में कैसा माहौल रहता है।